हाल ही के दिनों में वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित संदेश खाली क्षेत्र डिस्टर्बेंस, वायलेंस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का केंद्र बिंदु बन गया है, जिससे देश भर में फीमेल विक्टिम्स के लिए अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस की मांग उठ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वायलेंस के मेन रीजंस क्या हैं। दरअसल संदेश खाली हिंसा और विवाद के केंद्र में रूलिंग पार्टी टीएमसी के इम्प्रेसिव लीडर शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर कई सीरियस एलिगेशंस हैं, जिसके कारण इसने हिंसा का रूप लिया है। संदेश खाली क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों पर टॉर्चर और सेक्सुअल हरासमेंट के मामले और रीजनल विमेन का अबडक्शन, एक्सटॉर्शन मनी और इलीगल तरीके से लोगों की भूमि पर कब्जा करने, राशन एलोकेशन स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले, फिर भी बढ़ते एविडेंसेस और पब्लिक आउटरेज के बावजूद शाहजहां को गिरफ्तार ना किया जाना और पुलिस और रूलिंग सिस्टम के बीच मिलीभगत का संदेह होना ही हिंसा का मुख्य कारण है। अब समय है नजर डालने का इस हिंसा के प्रभावों पर। तो इससे सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड चुनौतियां बढ़ेंगी। इससे राज्य सरकार द्वारा संचालित सोशल, इकोनॉमिक एवं एजुकेशनल स्कीम्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की आशंका बढ़ेगी। इससे राज्य में इंटर कम्युनिटी टेंशन और कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। कम्युनलिज्म, रेसिज्म एवं रिलीजियस फ्रेंजी से जुड़ी घटनाओं की रिकरेंस हो सकती है। संदेश खाली हिंसा के परिणाम न केवल संदेश खाली समुदाय के भविष्य को नया आकार देंगे, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखने और हाशिए पर पड़े लोगों के राइट्स की रक्षा के लिए जुडिशरी की कमिटमेंट के लिए जटिल चुनौती का काम भी करेंगे। पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल डिस्टर्बेंस से जूझ रहे राज्य में संदेश खाली हिंसा मामले का सोल्यूशन जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के लिए वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट पर गहरा प्रभाव डालेगा। इससे शेख शाहजहां जैसे व्यक्तियों को पॉलिटिकल पेट्रोनेज और अधिक बढ़ावा मिल सकता है। इससे गरीब, वंचित और आर्थिक हाशिए पर रहने वाले लोगों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज एवं एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और अधिक शिकायतें और निराशा बढ़ सकती है। इससे महिलाओं के खिलाफ जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन और अधिक बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं कि महिलाओं के लिए कितना सेफ है पश्चिम बंगाल राज्य। पहला है गुमशुदा यानी कि मिसिंग के मामले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के गुमशुदा होने के मामले में पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2018 में जहां महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 33,964 महिलाओं के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, वहीं उससे कम जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 31,299 ऐसे मामले दर्ज हुए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, नादिया, बारासात, बराकपुर, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में भी पश्चिम बंगाल लीडिंग स्टेट्स में शामिल है। कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेश खाली हिंसा से जुड़े मुद्दों पर ऑटोमेटिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग लिया है, जिसमें कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाए गए इंजंक्शन को पलटते हुए सेक्सुअल हरासमेंट और ट्राइबल्स की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति की नियुक्ति की है। नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स कमीशन। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स कमीशन ने इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है सेंट्रल विमेंस कमीशन। सेंट्रल विमेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि टीएमसी लीडर्स ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, जिसके लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। अब समय है नजर डालने का इसके आगे की राह पर। संदेश खाली में हिंसा और अशांति प्रभावित समुदाय की शिकायतों को दूर करने और कानून के शासन में विश्वास बहाल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यौन उत्पीड़न और हिंसा के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में त्वरित और पारदर्शी तरीके से पूरी जांच की जानी चाहिए। शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों सहित अत्याचार करने के आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए और तेजी से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। कानून को सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता या प्रभाव कुछ भी हो।
इसके साथ ही पुलिस की मिलीभगत के आरोपों से निपटने के लिए पुलिस सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने या न्याय में बाधा डालने वाले पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यौन हिंसा के मामलों से निपटने पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू किए जाने चाहिए। यौन उत्पीड़ित पीड़ितों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें चिकित्सा देखभाल, परामर्श सेवाएं, कानूनी सहायता और आगे के नुकसान या धमकी से सुरक्षा तक पहुंच शामिल है। भविष्य में हिंसा और अन्याय की घटनाओं को रोकने के लिए लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता अभियान, स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पहल को बढ़ाने जैसे दीर्घकालिक उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय मिले और सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो, राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार संगठनों सहित स्वतंत्र निकायों द्वारा निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। अंततः सरकार के सभी स्तरों पर जवाबदेही होनी चाहिए। संदेश खाली में संकट के समाधान में अधिकारियों को उनके कार्यों या निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पारदर्शी संचार और जांच की प्रगति की ओर की गई कार्रवाइयों पर नियमित अपडेट से जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी। चलिए अब इस पूरे मामले का हम निष्कर्ष देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल में महिला उत्पीड़न के कारण तनाव व हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। आज आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।